हेलो एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करेंगे माइनर टेस्ट सीरीज फॉर जेई मेंस 2022 माइनर टेस्ट नंबर 2, जिसके अंदर फिजिक्स में सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, कोलिजन एंड रोटेशन मोशन के क्वेश्चंस लिए गए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए स्क्वायर प्लेट ऑफ एज ए बाई 2 इज कट आउट फ्रॉम ए यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ एज ए एज ऑन द फिगर। द मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन इज एम। The moment of inertia of the shaded portion about an axis passing through O center of the square of the side A and perpendicular plane of the plate is. तो इस remaining part का इस axis के about O से pass होने वाले axis के about moment of inertia calculate करना है। Remaining part का mass जो है वो हमें capital M given है। Okay? Remaining part का mass जो हमें capital M given है। Okay, तो इस वाले पार्ट का मास जो कैपिटल एम गिवन है, तो जो पार्ट हमने अलग किया है उसका मास कितना होगा। वैसे देखा जाए तो इस वाले पार्ट को अगर इस तरफ शिफ्ट कर दें ए बाय 4, तो ये इतने पार्ट को कवर करेगा जो कि 1/4 है इसका। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट का मास जो है, ऑब्वियसली अगर मैं इसका मास अगर स्मॉल एम कंसिडर करूं तो ऐसे तीन पार्ट हो आएंगे यहां पर, तो 3 स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम, सो स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम बाय 3। तो ये जो पार्ट हमने बाहर किया है, अलग किया है, इसका मास m by 3 के इक्वल है। तो जो टोटल कंप्लीट जो स्क्वायर प्लेट है बड़े वाली, इसका मास कितना होगा, m by 3 प्लस कैपिटल m which is 4m by 3। तो पूरी जो कंप्लीट जो स्क्वायर प्लेट है बड़ी वाली, इस पूरे का जो मास है वो 4m by 3 के इक्वल होगा। ठीक है, और इस पूरी जो स्क्वायर प्लेट है, इस पूरी स्क्वायर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट दिस एक्सिस, वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज 4m by 3 मास m into l square by 6। ठीक है, a square plus b square by 12 वाला फॉर्मूला लगाते हैं अपन, लेकिन यहाँ पर ये स्क्वायर प्लेट दोनों इक्वल हैं, तो साइड लेंथ भी a है, तो a square by 6 के बराबर आ जाएगा। सो 4m by 3 a square by 6, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आ गया। अब इसमें से इस वाले पार्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस पार्ट का मास जो है वो m by 3 के इक्वल है। ठीक है, और ये भी एक स्क्वायर प्लेट है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर मास के अबाउट कितना होगा वो देखना पड़ेगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इस एक्सिस के अबाउट जो है हमें सब्ट्रैक्ट करना है कंप्लीट वाले इनर्शिया में से। तो माइनस स्क्वायर प्लेट है, मास है m by 3, सो m by 3, ठीक है, मास आ गया, इंटू ए स्क्वायर, ए इसका साइड लेंथ जो है वो a by 2 के इक्वल है, क्योंकि a by 4, a by 4 था, a by 2 जाएगा, तो a by 2 का स्क्वायर, ओके, by 6, तो ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया अबाउट दिस एक्सिस, प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सेंटर मास के अबाउट निकाल लिया, अब यहां के अबाउट निकालना है अपन को, प्लस तो इसका मास है m by 3 इंटू डी स्क्वायर, डी ये वाली लेंथ होगी यहां पर, सो डी इज इक्वल टू a by 4, सो a by 4 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है पूरे असेंबली का, पूरे सिस्टम का, वो रिमेनिंग जो पार्ट है उसका, वो कंप्लीट इस वे से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे अपन तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3/16 एम ए स्क्वायर। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बाकी थोड़े बहुत कैलकुलेशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, मतलब इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ओके, a uniform ball of radius r rolls without slipping down from the top of a fixed sphere of radius capital r. The angular velocity of the ball when it breaks from the sphere is. तो एक sphere है जिसकी radius हमें capital R given है और इसके topmost point से हमने एक small r radius का solid sphere जो है वो release किया है, और पूछा ये है कि जब ये sphere roll करते हुए आएगा तो कहीं ना कहीं किसी point से ये कॉन्टेक्ट इसका हट जाएगा बड़े वाले स्फीयर से। तो उस केस में हमसे पूछा है इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा पूछा है। ओके, रोल करता हुआ आ रहा है, इसके पास लीनियर स्पीड भी होगी, एंगुलर स्पीड भी होगी, ओमेगा। ठीक है, और इसकी रेडियस आ रहा है तो ये स्टेशनरी है, ये बड़ा वाला जो स्फीयर है, तो इसका मतलब वी बराबर ओमेगा होना चाहिए, आर मतलब स्मॉल आर रोलिंग के लिए। तो यहां पर मैं कंडीशन लिख सकता हूं v is equal to omega into small r। तो जब ये यहां तक आएगा तो सपोज इस पॉइंट पर ये कांटेक्ट इसका हट जाता है, कांटेक्ट हटने का मतलब हुआ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू जीरो हो गई, n की वैल्यू जीरो हो गई, तो उस केस में ये एंगल जो है सपोज थीटा बनता है।
ठीक है, थीटा एंगल पर ये यहां से कॉन्टेक्ट हट जाता है इसका। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना डिक्रीमेंट होगा वो अपन यहां पर देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज कैपिटल आर, सो दिस लेंथ इज कैपिटल आर ऑल्सो, देन दिस लेंथ इज कैपिटल आर कोस थीटा। तो ये जो हाइट है ये वाली जो डिक्रीमेंट होगा, दैट इज आर माइनस आर कोस थीटा। तो आर माइनस आर कोस थीटा, तो एम जी एच इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो डिक्रीमेंट आया, विच इज एम जी आर वन माइनस कोस थीटा, ये पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट आया जब ये स्फीयर यहां तक आएगा। और जब यहां जब ये पहुंचा तो उस केस में इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। एक तो काइनेटिक एनर्जी आएगी ट्रांसलेशनल, विच इज हाफ एम वी स्क्वायर, और एक आएगी रोटेशनल, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 2 बाय 5 एम आर स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू हमसे पूछी है तो ओमेगा के टर्म्स में रखेंगे, और वी की वैल्यू ओमेगा आर अपन यहां रख सकते हैं। तो हमारे पास ये एम यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 यहां से कैंसिल आउट हो गया, सो जी आर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू ये वी स्क्वायर की वैल्यू, ये ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2 आ गया, प्लस यहां जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 5। तो यहां से आपके पास इक्वेशन जो है वो एक रेडी हो चुकी है, थीटा की टर्म्स में भी और ओमेगा की टर्म्स में भी, स्मॉल आर कैपिटल आर जो हमें कांस्टेंट गिवन है। बाकी जब यहां पे ये पहुंचेगा तो नॉर्मल जीरो हो जाएगा, और इस केस में इस स्फीयर पर केवल एम जी फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो एम जी का एक तो कंपोनेंट इस तरफ आएगा टुवर्ड सेंटर, तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो एम जी का ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा हमारे पास एम जी कॉस थीटा। सो इस ऑब्जेक्ट पर जो जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास की मोशन को अगर अपन ऑब्जर्व करें, सेंटर ऑफ मास सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास पर सेंट्रिपिटल फोर्स जो है, मतलब इस बॉडी पर जो सेंट्रिपिटल फोर्स जो है सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग देखें तो वो एम जी कॉस थीटा है, और नॉर्मल लग नहीं रहा यहां पर, ठीक है। तो एम जी कॉस थीटा इज टुवर्ड सेंटर, तो सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो एम जी कॉस थीटा के इक्वल है एग्जैक्टली, और एम जी कॉस थीटा जो है वो आ जाएगा एम इंटू में वी स्क्वायर बाय आर, वी जो है इसकी स्पीड है, सो वी स्क्वायर बाय आर, आर आ जाएगा सेंटर से डिस्टेंस, विच इज आर प्लस स्मॉल आर। सेंटर मास के यहां से डिस्टेंस कितनी होगी, आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगी, तो एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस स्मॉल आर। तो यहां पर जो वी है, वी को मैं ओमेगा इंटू आर यहां रख सकता हूं, सो एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम से एम वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, सो जी कॉस थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर विच इज ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। तो हमारे पास एक इक्वेशन यहां से आ चुकी है, तो देखो ये यहां से कॉस थीटा की जो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एंड आर हम यहां रख सकते हैं इस इक्वेशन में, बाकी ओमेगा यहां पर भी है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा है और कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। इस वजह से अपन ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है तो वैल्यू जो है अंडर रूट में 10 जी आर प्लस स्मॉल आर अपॉन 17 आर स्क्वायर के इक्वल आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर रोल्स विदाउट स्लिपिंग एट स्पीड वी अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी एट द इंस्टेंट शोन द फिगर इज, पी पॉइंट की वेलोसिटी हमसे पूछी है गिवन इंस्टेंट पर, ठीक है। तो रोल कर रही है, रोल करेगा तो हम इसमें ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन को सुपरइंपोज करके इस पी की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पी की वेलोसिटी एक तो ट्रांसलेटरी मोशन के अकॉर्डिंग वी इधर आना चाहिए जो कि ये मूव कर ही रहा है, उसके अलावा रोटेशनल मोशन भी हो रहा है, तो इस आर के परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी होगी, दैट इज ओमेगा इंटू आर, है ना, ओमेगा इंटू आर आ जाएगा, आर कैपिटल आर के बराबर नहीं, आर छोटा उससे। तो इस पी पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो इन दोनों के वेक्टर एडिशन से जो वेलोसिटी आएगी उसके इक्वल होगा, तो ओमेगा आर के हम कंपोनेंट ले सकते हैं। तो यहां से अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूं तो दिस एंगल इज थीटा, तो ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा, देन ये वाला एंगल थीटा के बराबर आ गया, तो ओमेगा आर का जो वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो आ जाएगा हमारे पास इस तरफ, मैं एरो ले लेता हूं ये वाला, विच इज ओमेगा आर कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा ओमेगा आर साइन थीटा। सो नेट वेलोसिटी ऑफ पी पॉइंट along x direction is v plus omega r sin theta and in y direction is omega r cos theta, speed jo hai, but isko vector mein likhein apan, to v vector apan likh sakte hain v plus omega r sin theta i cap along x direction, aur ye negative j direction mein hai to minus omega r cos theta j cap, ye velocity aa gayi। ab yahan par omega given nahi hai to v barabar omega capital r ke equal rakh sakte hain, to omega ki value aa jayegi v upon capital r,
ये वाली वैल्यू इन इक्वेशन में रख दें तो यहां से अपने पास करेक्ट जो ऑप्शन है वो सेकंड आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर रोल्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद लीनियर एक्सेलरेशन ए एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा शोन द फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी एज शोन द फिगर एट एन इंस्टेंट व्हेन इट्स लीनियर वेलोसिटी इज वी एंड एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा विल बी। तो जो पी पॉइंट है इसका एक्सेलरेशन हमसे पूछा है, तो अगर लीनियर वेलोसिटी वी है तो इस पी पॉइंट के पास एंगुलर वेलोसिटी होगी। एंगुलर वेलोसिटी होगी तो ये कुछ इस टाइप से जो मूव कर रहा होगा। तो सेंटर ऑफ मास के अगर आप रेस्पेक्ट में देखें, सबसे पहले सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अगर अपन गौर करें तो इस पार्टिकल के पास रोटेशनल मोशन है। ठीक है, रोटेशनल मोशन है तो ये घूम भी रहा है, घूमेगा तो इसका मतलब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जनरेट होगा विच इज ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा स्क्वायर आर जो है वो टूवर्ड सेंटर होगा, वो की तरफ होगा, उसको मैं साइड में लिख देता हूँ ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। उसके अलावा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, देखा जाए तो इस तरफ होगा क्योंकि अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, तो टेंशियल एक्सेलरेशन इस तरफ आएगा इस डायरेक्शन में, अल्फा इनटू स्मॉल आर। ठीक है, उसके अलावा जो ये सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन ए है उसको हम सुपरइम्पोज करेंगे तभी ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन आएगा। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अगर ए है तो पी पॉइंट के पास इस डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन ए होगा, तो इस डायरेक्शन नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा अल्फा आर प्लस ए और एक सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर। सो नेट एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज रिजल्टेंट ऑफ दीज एक्सेलरेशन विच इज अल्फा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, जो कि इस तरफ है, प्लस ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर एंड देन अंडर रूट कर देंगे तो हमारे पास नेट एक्सेलरेशन कुछ इस तरफ आएगा। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। टू फोर्सेस ऑफ द मैग्नीट्यूड एफ आर एक्टिंग ऑन ए यूनिफॉर्म वर्टिकल डिस्क कैप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस एज शोन इन द फिगर। फ्रिक्शन फोर्स बाय द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन द डिस्क इफ डिस्क स्टार्ट्स प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग कर रही है, हमसे पूछा है कि फ्रिक्शन यहाँ पे कहाँ लगेगा, इस पॉइंट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे बात करें कि फॉरवर्ड डायरेक्शन लगेगा, रिवर्स डायरेक्शन लगेगा या जीरो लगेगा, या डिपेंड करेगा एफ के मैग्नीट्यूड के ऊपर। तो चलिए देखते हैं, दोनों फोर्स हमने लगा रखे हैं सेम मैग्नीट्यूड के, तो अगर हमें ये पता करना है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस अज्यूम करके हम चेक करेंगे सबसे पहले कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन किस तरह होगा। अगर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा देन फ्रिक्शन डेफिनेटली बैकवर्ड डायरेक्शन लगेगा, और अगर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन हुआ तो फ्रिक्शन फोर्स जो फॉरवर्ड डायरेक्शन लगेगा। तो सबसे पहले इसके सेंटर मास का एक्सेलरेशन अपन कैलकुलेट करते हैं। सेंटर मास का एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन को मैंने अभी एब्सेंट कर दिया यहाँ पर, तो नेट फोर्स ऑन द डिस्क इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विच इज 2F, मास में एम लेट कर लेता हूँ, तो 2F इज इक्वल टू एम इंटू ए। सेंटर मास का एक्सेलरेशन मैंने यहाँ ए कंसिडर किया है, तो यहां से a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 2f by m। नेक्स्ट नंबर सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो इसका टॉर्क तो जीरो हो गया, फ्रिक्शन मैंने लिया नहीं है, f का टॉर्क कितना आ जाएगा f into r, रेडियस में स्मॉलर मान लेता हूं, बराबर i into alpha। i जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का mr square by 2 होगा into alpha, तो यहां से r से r कैंसिल आउट हुआ, देन alpha r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, alpha r आ जाएगा 2f by m। ठीक है, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन हम जानते हैं अच्छे से, ए इस तरफ है और अल्फा बैक साइड में होगा, नेट एक्सेलरेशन जो है वो ए माइनस अल्फा के बराबर होगा इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गया ए माइनस अल्फा, तो ए की वैल्यू 2f बाय m है और अल्फा की वैल्यू भी 2f बाय m है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। सो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज जीरो, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लगेगा, जीरो लगेगा, कोई टेंडेंसी नहीं होगी उसकी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, थर्ड इज जीरो। फिफ्थ क्वेश्चन, a thin uniform rod of mass m and length l is kept on a smooth horizontal surface such that it can move freely, where should a particle of mass m strike on the rod such that the points a at a distance l by 3 from the end of the rod is instantaneously at rest just after the elastic collision is. Collision elastic hai, c center hai rod ka aur ye complete length l hai. Jo a point hame nazar aa raha hai na, dekho abhi jo particle hai suppose v speed se aa raha hai ye, theek hai, aur ye collision karta hai, collision elastic hai, वन डायमेंशनल दिख रही है वैसे, तो अगर हम कोलिजन का कॉन्सेप्ट लगाएं तो हम अच्छे से जानते हैं मास सेम होता है तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है अगर इलास्टिक कोलिजन है, तो ये जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल इमीडिएटली रेस्ट में आ जाएगा जब कोलिजन होगी, आफ्टर कोलिजन। लेकिन आफ्टर कोलिजन इस रोड की बात करें तो ये जो पार्टिकल है इस पर इंपल्स लगाएगा इस तरफ, तो ये रॉड जो है वो रोटेट भी होगी, घूमेगी, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी वो एग्जैक्टली वी के बराबर आ गई क्योंकि सेम मास है, वेलोसिटी इंटरचेंज होगी। तो ये सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग देखें तो v से आगे जा रहा है और यूं घूमेगा भी, तो जो p पॉइंट है इसकी वेलोसिटी जीरो है, मतलब जस्ट आफ्टर कोलिजन जो है वो रेस्ट में है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी जीरो है।
तो अगर मैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाऊं तो एक तो वी इस तरफ आएगा, और ये जो डिस्टेंस है ये वाली, क्योंकि ये कंप्लीट लेंथ जो ये एल बाई टू है, ये एल बाई थ्री है, तो ये एल बाई सिक्स हो जाएगा। तो ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट के पास एक तो ओमेगा इंटू आर बैक साइड में होगा और एक वी जो है वो फ्रंट पे होगा, आगे की तरफ होगा। और ये अगर रेस्ट में है दैट मीन्स वी कैन से वी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू में एल बाई सिक्स। तो वी की वैल्यू ओमेगा इंटू एल बाई सिक्स के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। बाकी देखते हैं वी की वैल्यू जो है, ओमेगा की वैल्यू कितनी आती है, ओमेगा की वैल्यू रखने के बाद अपन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब जैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट मैंने डायरेक्ट लगा दिया यहाँ पर, वेलोसिटी इंटरचेंज वाला कॉन्सेप्ट। बाकी अगर मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लगाऊं तो हम ओमेगा फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वैसे सिस्टम देखा जाए सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो लग रहा है, नेट टॉर्क भी जीरो होगा। तो मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क ले लेता हूँ, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क जीरो है, तो एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, रोड अभी रेस्ट में है तो इस पार्टिकल का आएगा एम वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज एक्स। सो फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वी कैन से एम वी इंटू एक्स इज इक्वल टू, आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी जीरो होगी और इसके पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो लीनियर मोशन को कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पर। तो आई सी एम इंटू ओमेगा हो जाएगा, आई सी एम रोड का कितना आता है सेंटर के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व इंटू ओमेगा। तो एम सी एम कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से अपने पास देखा जाए तो वी एक्स 12 vx by l is equal to omega l आ जाएगा। ये वाली वैल्यू मैं यहाँ रख सकता हूँ इसमें, तो ये आ जाएगा 12 vx अपॉन में l जो कि v के इक्वल है, v से v कैंसिल आउट हो गया और बाकी 6 भी था यहाँ पर, ठीक 6 से कट गया 2, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास l by 2। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, आइए। A system of uniform cylinders and plates is shown the figure. All the cylinders are identical and there is no slipping at any contact. Velocity of lower and upper plates is V and 2V respectively shown the figure. Then the ratio of the angular speeds of the upper cylinders to the lower cylinder is. Ratio पूछा है अपन से angular velocity का। जैसे इसको अपन 2V speed से pull कर रहे हैं और इसको अपन V speed से pull कर रहे हैं, तो ये वाला जो ऊपर वाला जो cylinder है इसकी सारे identical हैं, तो radius मैंने R मान ली। इसका सेंटर जो है सपोज इस तरफ v1 स्पीड से मूव कर रहा है और एंगुलर स्पीड इसकी मैंने ओमेगा 1 मान ली, ठीक है। तो ऊपर वाला जो टॉप पॉइंट है रोलिंग कर रहा है तो इसका मतलब स्लाइडिंग नहीं होनी चाहिए। तो ऊपर वाले टॉप पॉइंट की जो स्पीड है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से देखें तो v1 आगे आएगा और ओमेगा 1 इंटू आर भी आगे आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ v1 प्लस ओमेगा 1 इंटू आर जो है वो 2v के बराबर होना चाहिए, 2v के इक्वल एक तो ये आ गया। और दूसरा नीचे वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को देखें तो v1 आगे की तरफ और ओमेगा 1 आर पीछे की तरफ और ये भी रोल कर रहा है, इसका मतलब v के बराबर होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ ओमेगा 1 आर माइनस v1, ओमेगा 1 आर बैक साइड में, v1 इधर, ओमेगा 1 आर माइनस v1 इज इक्वल टू v होना चाहिए। इनको दोनों का सम करें, v1 से v1 कट गया, 2 ओमेगा 1 आर इक्वल टू 3v आ जाएगा। तो ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3v बाय 2r, ये ओमेगा 1 आ गया। अब नीचे वाले स्फीयर की बात करें, ये तो यहाँ पे रोल कर रहा है और ये रेस्ट में है, ग्राउंड पे है, तो ये तो सीधा सा है कि ये ऐसे ही घूमता हुआ जाएगा, ओमेगा 2 इस तरफ होगा। और इस वाले पॉइंट की स्पीड अगर अपन बात करें, ठीक है, तो v के इक्वल है और सेंटर की जो स्पीड है वो मैंने v2 मान ली इसकी। तो v2 प्लस ओमेगा 2 इंटू आर इज इक्वल टू v होना चाहिए। और ग्राउंड पे है तो ये स्लिप नहीं हो रहा, सीधी सी बात है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, इसका मतलब v2 बराबर ओमेगा 2 आर होना चाहिए। तो v2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ओमेगा 2 इंटू आर। सो यहाँ पर ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी आई, ओमेगा 2 की वैल्यू हो जाएगी v बाय 2 आर। तो ओमेगा 2 इज v बाई 2 आर एंड ओमेगा 1 इज 3v बाई 2 आर। तो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 हमसे पूछा है, दोनों का रेशियो लेंगे तो 3:1 आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। ए मास m इज मूविंग एट स्पीड v परपेंडिकुलर टू ए रॉड ऑफ लेंथ d एंड मास कैपिटल m इक्वल्स टू 6m व्हिच पिवोट्स अराउंड ए फ्रिक्शनलेस एक्सल रनिंग थ्रू इट्स सेंटर, इट स्ट्राइक एंड स्टिक टू एंड ऑफ द रॉड, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट इट्स सेंटर इज md स्क्वायर बाय 12। Then the angular speed of the system just after the collision is. तो ये पार्टिकल जो v स्पीड से आता है और यहाँ स्टिक कर जाता है और जस्ट आफ्टर कोलिजन हमसे ओमेगा पूछा है। काफी सिंपल है, इस सेंटर के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्योंकि इसके इस सिस्टम पर जो है एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लगेगा जहाँ से ये पिवोटेड है। तो अपन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, तो इस एक्सिस के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर फोर्स लगेगा, उसकी लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास होगी तो उसका टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो ओ के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो ओ के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है इस पार्टिकल का, एम वी इंटू में डी बाई टू, तो एम वी इंटू डी बाई टू। और जब ये स्ट्राइक कर जाएगा, चिपक जाएगा, स्टिक भी कर जाएगा, साथ ही सिस्टम ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट होने लग गया। तो अब जो है इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, आई और ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का कितना आएगा इस एक्सिस के अबाउट, रोड का आ जाएगा एम डी स्क्वायर बाई 12
प्लस इस पार्टिकल का कितना आएगा, m इंटू ये d बाई टू है तो m r स्क्वायर, मतलब m इंटू d बाई टू का स्क्वायर मतलब m d स्क्वायर बाई फोर, ये m d स्क्वायर बाई फोर आ गया और इंटू में ओमेगा, ठीक है। m की वैल्यू 6m के इक्वल है, इसको 6 स्मॉल m रख देते हैं अपन, बाकी ये देखो m m ये कैंसिल आउट हो जाएगा, d यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, देन फर्दर 6 से ये कट कट गया, तो ये d बाई टू और d बाई फोर है, तो एलसीएम ले लो, तो वैसे भी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा d बाई टू, d बाई थ्री, d बाई फोर, और यहाँ आ जाएगा v बाई टू इंटू ओमेगा, इसे कटा 2v बाई 3d इज इक्वल टू ओमेगा, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इन द गिवन फिगर ए स्मॉल बॉल ऑफ मास स्मॉल m कैन मूव विदाउट स्लाइडिंग इन ए फिक्स्ड सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस कैपिटल r इन वर्टिकल प्लेन, इट इज रीच्ड फ्रॉम द टॉप, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉल एट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैक इज, लोवेस्ट पॉइंट पर जब ये पहुंचेगा तो इस पे फोर्स पूछा है, ठीक है, फोर्स की बात करेंगे अपन, तो ये कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है जी, यहां पर हमने इस स्पीयर को इस पोजीशन पे रखा हुआ है, कैपिटल आर है, इस गोले की रेडियस में स्मॉल आर अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है, और ये कुछ यूं स्लाइड करता हुआ आएगा, जो रोल करता हुआ आएगा और यहां तक पहुंचेगा, इसके पास कुछ स्पीड आ जाएगी सेंटर ऑफ मास के पास, ठीक है, और सेंटर जो गोले का जो सेंटर है उसकी सर्कुलर पाथ जो है उससे जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगी, सही है। मास इसका हम एम कंसीडर कर लेते हैं, तो यहां से जब अपन रिलीज करेंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो कितना आएगा, वो एम जी इंटू आर माइनस स्मॉल आर आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चेंज आ गया एम जी आर माइनस स्मॉल आर, और ये जो भी चेंज होगा ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है इस छोटे वाले गोले की, हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई कितना आएगा, सॉलिड स्फीयर है 2/5 एम स्मॉल आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को मैं वी बाय आर लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 10 और ये 7 आ जाएगा, 7 एम वी स्क्वायर बाय 10, ये आ जाएगा एम जी आर माइनस स्मॉल आर, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से अपने पास वी और आर के बीच में एक रिलेशन आ गया। अब हमसे फोर्स पूछा है यहाँ पर, तो एक सीधी सी बात है, इस ऑब्जेक्ट पर जो लगने वाला नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन की बात करें तो सेंटर ऑफ मास यहां पर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो v स्क्वायर बाय r माइनस स्मॉल r होगा, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स की बात करें अपन इस ऑब्जेक्ट पर, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हिच इज v स्क्वायर बाय r माइनस स्मॉल r, ये mv स्क्वायर बाय r वाला फार्मूला लगाया मैंने यहां, तो रेडियस r माइनस स्मॉल r है ना, यहां से अब कुछ नहीं रखना, m r माइनस स्मॉल r और v स्क्वायर की जो वैल्यू है वो रख देते हैं अपन, g into 10 r माइनस स्मॉल r upon 7, तो ये r माइनस स्मॉल r कैंसिल आउट हो गया, देन f नेट जो है वो हमारे पास आ चुका है 10 mg by 7, ये आंसर आ जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन इसका देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। Okay. A bullet of mass m hits the hanging block, collides perfectly inelastically with a velocity v. The change in the tension of the string just before and after the collision is. तो change पूछा है, तो initially देखा जाए, जब ये rest में है block, तो tension ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ है, तो t mg को balance करेगा, तो initial जो tension है string में वो mg के equal हो गया। जब ये collision हुई, perfectly inelastic collision है, before collision देखा जाए, तो momentum है mv, after collision देखा जाए, इसके साथ attach हो गया, ये 2m mass हो गया, तो इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v डैश है, तो ये 2m into v डैश के इक्वल होगा, m से m कैंसिल आउट हो गया, तो v डैश जो है वो v by 2 के बराबर आ गया, इसका मतलब ये जो पूरी असेंबली है 2m मास की, ये v डैश स्पीड से मूव करेगा, तो 2mg डाउनवर्ड लगेगा इस पर और टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ, इस टेंशन को मैं t फाइनल बोल दिया, तो अब अगर यहां देखा जाए तो ये जो ब्लॉक है ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, तो टुवर्ड सेंटर जो फोर्स लगेगा विच इज tf माइनस 2mg इज इक्वल टू 2m इंटू v डैश स्क्वायर बाय l, l इसकी रेडियस है सर्कुलर पाथ की, तो यहां से tf की वैल्यू कितनी आ गई, ये 2mg उधर ले जाइए प्लस 2m, और यहां v डैश की वैल्यू v by 2 है, तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे v स्क्वायर बाय 4 into l, ठीक है, यहां से ये 2 से 2 कट गया, ये 2 आ जाएगा डिवाइड में, तो ये वैल्यू आ चुकी t फाइनल की, और चेंज पूछा है तो इसको इसमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, 2mg यहां पर, यहां पर mg, तो केवल mg बचेगा, सो टेंशन जो चेंज आया डेल्टा t इज इक्वल टू mg प्लस mv square by 4l, ठीक है, ये चेंज हमारे पास आ चुका है यहाँ पर,
तो mg प्लस mv स्क्वायर बाय सॉरी 2l, कोरेलन 2l, ये 2 से 2 कट गया 12, mg प्लस mv स्क्वायर बाय 12। अब इसको चेक करते हैं, देखते हैं, तो फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में भी नहीं है और थर्ड में भी नहीं है, तो इसका करेक्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, नन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्मॉल क्यूब ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस कैपिटल r, कट इनटू ए लार्जर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल m as shown in the figure, m rests on a table and both blocks move without friction, the blocks are initially at rest and m starts from the top of the path, the velocity v of the cube as it leaves the block is, तो इस वाले ब्लॉक को जब ये छोड़ेगा तो उस समय वेलोसिटी हमसे पूछी है यहाँ पर, तो सब कुछ स्मूथ है, स्मूथ सरफेस है और कुछ इस टाइप से ये डायग्राम है, कैपिटल आर, ऐसा कुछ सिस्टम है। तो अभी के लिए पिक्चर ये है, थोड़ी देर बाद में ये ब्लॉक सेपरेट हो गया वी स्पीड से, इस वाले ब्लॉक की स्पीड जो है वो मैं वी डैश मान लेता हूँ एम। तो पहली बात तो ये है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस पर, तो सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो कंजर्व रहेगा, जो कि इनिशियली जीरो था, तो वो जीरो है, पी इनिशियल जीरो। फाइनली बात करें तो उस ब्लॉक का है एम इंटू वी और इस वाले का आ जाएगा माइनस एम इंटू वी डैश, वेक्टर क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग लिख दिया, तो यहाँ से वी डैश की जो वैल्यू आ जाएगी एम वी बाय कैपिटल एम। एक तो कंडीशन ये आ गई, दूसरा ये कि एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो जब ये ब्लॉक यहाँ से आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना डिक्रीमेंट आया, एम जी इंटू आर, और वो सारा कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम वी डैश स्क्वायर के इक्वल होगा। वी डैश की वैल्यू वहां से रख देंगे अपन, एम जी आर इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम स्मॉल एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से वी की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है, जब कैलकुलेट करते हैं अपन तो यहाँ से अपने पास फोर्थ ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, ए बॉल ऑफ मास स्मॉल एम मूविंग विद स्पीड 2 वी स्ट्राइक्स ए हैवी बॉल इलास्टिकली विच इज मूविंग विद ए वेलोसिटी वी, द वर्क डन बाय द हैवी बॉल ऑन द बॉल इज, तो इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन में हमें पता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट के इक्वल होगा। जब ये बॉल हैवी वॉल से टकराएगी तो वॉल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, वॉल की स्पीड में कोई बदलाव नहीं आएगा, चेंजेस नहीं आएंगे, तो वी की वी बराबर रहेगा। और इस बॉल की बात करें तो इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन सपोज इस तरफ होगी वी डैश, तो फिर इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट विच इज वी माइनस ऑफ माइनस वी डैश विच इज वी प्लस वी डैश। ठीक है, बराबर। और इनिशियली देखा जाए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात की जाए तो 2v माइनस वी जो कि v के इक्वल है। ठीक है, तो 2v इधर है और v इधर है, तो 2v माइनस v जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, v के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर देखें तो v माइनस ऑफ माइनस वी डैश मतलब v प्लस वी डैश के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ से v डैश की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। तो इस पार्टिकल पर, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की बात करें, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी जीरो हो चुकी है आफ्टर कोलिजन। तो ये जो वॉल है, इस वॉल ने इस बॉल पर फोर्स लगाया इस तरफ, है ना, एंड देन फाइनली इसकी काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो कर दी, स्पीड जीरो कर दी। तो चेंज इन जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज द वर्क डन, तो वर्क डन यहाँ पर इस केस में कितना आएगा, तो अगर हम गौर से देखें तो हाफ एम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए, हाफ एम टू वी का स्क्वायर विच इज फोर वी स्क्वायर, यानी फाइनल तो जीरो हो गई, तो टू एम वी स्क्वायर जो है वही वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, टू एम वी स्क्वायर, तो यहां पर वॉल ने 2 एमवी स्क्वायर वर्क डन किया, तो इसका करेक्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच ऑफ मास एम कोलाइड परपेंडिकुलर विद इक्वल स्पीड्स वी, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम फॉर कंप्लीट इनलास्टिक कोलिजन इज, तो यहां पर वी है इसके पास भी वी है, आफ्टर कोलिजन की बात करें और कंप्लीट इनलास्टिक कोलिजन है, दोनों स्टिक करके मान लीजिए 2 एम मास हो गया, तो उस केस में जो वेलोसिटी है वो कुछ इस तरफ आ जाएगी सिस्टम की वी डैश, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इनिशियल मोमेंटम की बात करें, इसका एमवी है, इसका एमवी इस तरफ है, तो रिजल्टेंट मोमेंटम कितना आएगा, ये आ जाएगा एम वी आई कैप प्लस एम वी जे कैप विच इज एम वी रूट टू बराबर टू एम वी डैश, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो वी डैश की वैल्यू कितनी आई, वी बाई रूट टू, तो ये वेलोसिटी वी बाई रूट टू आ चुकी है। और हमसे पूछा है द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम फॉर कंप्लीट इनलास्टिक कोलिजन, लॉस कितना हुआ वो हमें देखना है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो आ जाएगा हाफ टू एम वी डैश स्क्वायर, वी डैश स्क्वायर मतलब वी बाई रूट टू का स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बाय टू,
टू से टू कैंसिल आउट हो गया, विच इज एम वी स्क्वायर बाई टू। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करें वो आ जाएगा इसका भी हाफ एम वी स्क्वायर, इसका भी हाफ एम वी स्क्वायर, विच इज एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर पहले था और अब है एम वी स्क्वायर बाई टू, तो चेंज कितना आया, हाफ एम वी स्क्वायर तो आया, लॉस तो हाफ एम वी स्क्वायर का है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। If a ball strikes another ball, collides elastically with velocity v, the maximum elastic potential energy stored during the collision is. Collision elastic है, maximum elastic potential energy. तो जब ये ball deform होगी, maximum deformation जब होगा, तभी उस केस में ही energy जो है वो maximum store होगी elastic energy की form में। ठीक है, तो उस केस में दोनों की speed भी same रहेगी, v dash maximum deformation के time में दोनों की speed क्या रहेगी, same रहेगी। तो momentum conservation concept लगाया अपन, ये वाली ball rest में, तो initial momentum है mv, और बाद में हो जाएगा 2 mv डैश, तो v डैश की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, v डैश की वैल्यू हो जाएगी v / 2। तो एनर्जी कंजर्वेशन कांसेप्ट लगाएं यहां पर, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv स्क्वायर। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ 2m v डैश स्क्वायर, मतलब v स्क्वायर / 4, प्लस जो पोटेंशियल जी स्टोर हो रही है उसको मैंने साइड में लिख दिया p। अब ये 2 से 2 यहां पर कैंसिल आउट हुआ, mv स्क्वायर / 4 है, यहां पर mv स्क्वायर / 2 है, mv स्क्वायर / 2 माइनस mv स्क्वायर / 4, मतलब mv स्क्वायर / 4, पोटेंशियल जी स्टोर होगी mv स्क्वायर / 4 के इक्वल। ओके, दिस दैट इज मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ड्यूरिंग कोलिजन। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। ए स्प्रिंग कनेक्टिंग टू स्मूथ ब्लॉक्स ए एंड बी, ईच ऑफ मास m हैज स्टिफनेस k, इफ द ब्लॉक c स्ट्राइक्स b इन इलास्टिकली, ओके, इन इलास्टिकली द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इज, तो मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग का पूछा है हमसे, और इन इलास्टिकली कोलिजन कर रही है ये सी जो है, तो यहां से अगर हम देखें तो दोनों का मास सेम है, कोलिजन करेगा ये इससे स्टिक कर जाएगा। ठीक है, स्टिक करने का मतलब ये हुआ आफ्टर कोलिजन स्पीड कितनी होगी, तो अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो इसका मोमेंटम है एम वी नॉट, जब ये स्टिक करेगा तो नेट मास हो जाएगा 2m into v, v मान लेते चल गए, तो एम वी नॉट इक्वल्स टू 2m into v, तो v की वैल्यू हो जाएगी v नॉट बाई 2। तो आफ्टर कोलिजन जो पिक्चर बनेगी वो कुछ ऐसा बनेगा, देखिए ए ये यहाँ पे मास रख देता हूँ m, ये हो जाएगा 2m, और ये वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ चुकी है v नॉट बाई 2, ये v नॉट बाई 2 स्प्रिंग कांस्टेंट k है, बाकी इसकी वेलोसिटी उस समय जीरो है, मैक्सिमम कंप्रेशन हमसे पूछा है, तो ये कंडीशन है यहाँ पर, मैक्सिमम कंप्रेशन जब होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन जब होगा तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी कुछ ऐसे, ये m है स्प्रिंग कंप्रेस होगी, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v मान लेते हैं, चलो इसकी वेलोसिटी भी v हो जाएगी, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा सिस्टम का, और मोमेंटम अगर कंजर्व रहेगा तो अपन लिख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम तो वही है सेम जो पहले हमने किया था, इसका तो जीरो था, तो m इंटू v नॉट के बराबर ही आएगा, 2m इंटू v नॉट बाई 2 m v नॉट के बराबर ही आएगा, और फाइनल मोमेंटम जो है वो आ जाएगा 3m v, तो यहां से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v नॉट बाई 3 के। दूसरा एनर्जी कंजर्व रहेगी आफ्टर कोलिजन की बात करें, तो एनर्जी की बात करें यहां पर एनर्जी कितनी आएगी, हाफ 2m v नॉट स्क्वायर बाय 4, यहां पर देखें तो दोनों की स्पीड सेम है, तो डायरेक्ट मास लेकर के कर देते हैं, हाफ 3m इंटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज वी नॉट स्क्वायर बाय 9, ये v की वैल्यू रख दी, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, यहां पर स्प्रिंग में कुछ कंप्रेशन भी होगा, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के है, तो ये अपने पास इक्वेशन बन चुकी है जी, यहाँ से थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, बाकी चाहे तो 2 को भी उड़ा सकते हैं, यहाँ से 2 उड़ जाएगा, ये 2 यहाँ बचा, तो यहाँ पर वैल्यू बची हमारे पास एम वी नॉट स्क्वायर बाई 2, और ये इसको इधर ले आइए, यह आ जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर बाई 3 बराबर के एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा 6 एलसीएम, तो 3 माइनस 2 1, तो यह आ जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, के को डिवाइड में ले आएंगे, 6 आना चाहिए, देखते हैं, तो अंडरवुड में 6 के आएगा, डेफिनेटली आएगा, तो ये फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइए, ए ग्रामोफोन रिकॉर्ड इज रिवॉल्विंग विद एंगल ऑफ वेलोसिटी ओमेगा, ए कॉइन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिकॉर्ड, द स्टैटिक फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट इज म्यू, द कॉइन विल रिवॉल्व विद द रिकॉर्ड इज रिकॉर्ड इफ। ठीक है, तो ये ग्रामोफोन है कुछ ऐसे, इसकी डिस्क है ये, और इस पे एक कॉइन रखा हुआ है, और मान लीजिए कॉइन की जो डिस्टेंस है यहाँ से आर है, तो सिस्टम ऐसे है हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, तो अगर ये घूमेगा तो सीधी सी बात है इसमें नॉर्मल तो लगेगा लगेगा, एम जी भी लग रहा है, तो अगर ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है सपोज, तो इस पे जो सेंट्रीपेटल फोर्स है, क्योंकि सर्कुलर पाथ में रोटेट होगा ये,
सेंट्रीपेटल फोर्स केवल एक ही प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि है फ्रिक्शन फोर्स। तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स ही है जो कि इसको घुमाने का ट्राई कर रहा है, एंड फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। और हम ये जानते हैं कि एफ जो है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो म्यू एस इंटू एन के बराबर होता है, तो एफ लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन। यहाँ पे म्यू गिवन है तो म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू हो जाएगी एम जी, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे है, तो एन अपवर्ड एम जी डाउनवर्ड। तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी, एम से एम कैंसिल आउट हुआ, हमसे आर की वैल्यू पूछी थी, लेस देन इक्वल टू म्यू जी अपॉन ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए सर्कुलर ट्यूब ऑफ मास m इज प्लेस्ड वर्टिकली ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन द फिगर, द टू स्मॉल स्फीयर्स ईच ऑफ मास स्मॉल m जस्ट फिट इन द ट्यूब, वन रिलीज फ्रॉम द टॉप इफ द ट्यूब लूजेस कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड एट थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ स्मॉल m बाय कैपिटल m इज। तो दोनों जो छोटी छोटी जो बॉल्स हैं इनको आपने रिलीज किए यहाँ से, तो मूव करते हुए आएंगे ये, ठीक है, मूव करते हुए आएंगे, और हमसे पूछा है कि जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो ये अपना कॉन्टैक्ट हट जाता है, यहाँ से कॉन्टैक्ट हट जाता है। इस चीज़ को थोड़ा सा बारीकी से समझना पड़ेगा। यहाँ से हमने रिलीज़ किया तो जब ये बॉल आएगी, बॉल डेफिनेटली ऊपर वाली जो बॉल है ना इस ट्यूब की, उसके कॉन्टैक्ट में आएगी, कुछ ऐसे ये दोनों बॉल्स, और ये वाला एंगल कितना है 60 है, ये भी सेम है 60। तो जब यूं आएगा तो इसके पास कुछ ना कुछ स्पीड भी होगी, तो नॉर्मल लगेगा इस पर, इस ट्यूब पर नॉर्मल इधर लग रहा है, ये ट्यूब पर लगाया मैंने नॉर्मल, दोनों तरफ सेम लगेगा, नॉर्मल लगेगा, तो नॉर्मल ये वाला एंगल 60 है यहाँ पर, तो वर्टिकल से ये वाला एंगल भी 60 आएगा, और ये वाला एंगल भी यहाँ पर देखा 60 आएगा, ये भी 60, ये वाला भी 60। तो n का ये वाला कंपोनेंट n cos 60, ये भी n cos 60, n cos 60 मतलब n by 2 दोनों मिलकर के n के इक्वल हो जाएगा, जो कि ऊपर लग रहा है इस ट्यूब पर, और ट्यूब का जो कैपिटल एम जी जो है वेट जो है वो डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है, तो एम जी डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब n की वैल्यू एम जी के बराबर हो जाएगी अगर, तो फिर ये जस्ट कॉन्टैक्ट इसका हटने वाला हो जाएगा, ठीक है, यही यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो n बराबर mg हमें करना है, एंगल 60 में ले ही चुका हूँ, बाकी यहाँ से हमने इसको जब रिलीज किया था तो मेन बात है n की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर ये कुछ ना कुछ स्पीड भी गेन करेगा, दोनों पिक्चर सेम ही है, ये वाली बॉल भी सेम स्पीड से आएगी सिमेट्रिकली। तो जब यहाँ से हमने रिलीज किया, ये वाली रेडियस मान लीजिए r है, तो ये r को 60 आ जाएगा इतना, तो ये r को 60 में r by 2, तो ये भी r by 2 के बराबर होगा, तो बॉल जब यहाँ से आएगी तो ये कितनी पोटेंशियल एनर्जी में इसका डिक्रीमेंट होगा, एम जी आर बाई टू, जो कि काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, एम से एम कैंसिल आउट हुआ तो 2 से 2 भी कैंसिल आउट हुआ, तो वी स्क्वायर की वैल्यू जी आर के बराबर आ गई। अब जब वी स्क्वायर की वैल्यू जी आर के बराबर है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जितना नॉर्मल इस बॉल पे इधर लग रहा है, बॉल लगा रही है ट्यूब पर, उतना सेम नॉर्मल फोर्स बॉल पे अंदर की तरफ लगाएगा कौन, ट्यूब लगाएगी, ठीक है, तो ट्यूब बॉल पर अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी एन, एम जी भी लगेगा, एम जी इधर लग रहा है, ये वाला एंगल 60, तो ये वाला एंगल भी 60 आएगा, तो mg का भी टुवर्ड सेंटर फोर्स आएगा mg cos 60। तो ये दोनों के दोनों जो फोर्स है टुवर्ड सेंटर लग रहे हैं, विच इज n प्लस mg cos 60 मतलब mg by 2 है ना, ये इधर लग रहा फोर्स, जो कि mv स्क्वायर बाय r के बराबर होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर होगा, ये इक्वेशन हमने लिख दी, और n की वैल्यू कैपिटल mg के बराबर है, सो कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg इज इक्वल टू स्मॉल m बाय r v स्क्वायर, v स्क्वायर की वैल्यू gr के बराबर है, तो ये आर से आर कैंसिल आउट हो गया, एम जी के बराबर हो गया, सो कैपिटल एम जी, जैसे जी हर जगह से हट जाएगा, कैपिटल एम इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा एम स्मॉल एम, और ये एम बाई टू है, तो स्मॉल एम बाई टू के बराबर आ गया। सो हमसे पूछा है यहाँ पर कि स्मॉल एम बाई कैपिटल एम कितना है, स्मॉल एम बाई कैपिटल एम अगर हम देखें तो 2 इधर चला जाएगा, तो स्मॉल एम बाई कैपिटल एम किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2 के इक्वल, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। A smooth track is shown in the figure. A block of mass capital M is pushed against a spring of spring constant K, fixed at the left end and is then released. Find the initial compression of the spring so that the normal reaction at point Q is zero. तो Q पर normal reaction force zero है, तो यहाँ से हमने compression पूछा है, ठीक है, compression कितना है? तो जब इसको compress करके release करेंगे, suppose compression है X, compression अगर X है तो ये जब ब्लॉक इससे हटेगा तो ये कितना स्पीड गेन कर लेगा, जब यहाँ से आएगा वो स्पीड जो है ना मैंने u कंसीडर कर ली, तो हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, जो पोटेंशियल स्टोर थी स्प्रिंग के अंदर वो उसके बराबर हो गई,
तो यहां से u की वैल्यू हमारे पास इन टर्म्स ऑफ k आ जाएगी, ठीक है, k x स्क्वायर बाय m का अंडर रूट, ये u आ गया। अब इस स्पीड से यहां तक जाएगा, q तक जाएगा, तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा ड्रॉ कर लूं, और ये वाला एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है, बाकी r है हमारे पास, ओके। तो यहां तक ये जो ऑब्जेक्ट है ये u स्पीड से आएगा और देन 30 डिग्री एंगल पर यहां पर ये कांटेक्ट हट रहा है। कांटेक्ट हटने का मतलब ये हुआ कि नॉर्मल नहीं लग रहा, केवल mg लगेगा, तो mg इस तरफ लगेगा, ये 30 तो ये 60 हो जाएगा, तो mg का इस तरफ जो कंपोनेंट है टुवर्ड सेंटर व्हिच इज mg cos 60, तो mg / 2 के बराबर आ गया, टुवर्ड सेंटर n लग नहीं रहा, यहां पे स्पीड भी होगी इसके पास, मान लीजिए स्पीड v है, तो mg / 2 जो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा व्हिच इज mv स्क्वायर / r, m से m कट गया, तो यहां से v स्क्वायर की वैल्यू जो है वो gr / 2 के बराबर आ गई। उसके अलावा v की वैल्यू देखें अपन, यहां से यहां तक जब जाएगा तो ग्रेविटेशनल एनर्जी में कितना चेंज आया, इतना ही तो आया, तो यहां से जब यहां तक जाएगा तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी इसके पास कितनी है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है, और पोटेंशियल जीरो है बराबर, जब यहां पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल की बात करें सो दिस एंगल इज 60, तो ये आर को 60 आ जाएगा विच इज आर बाई टू, एंड दिस इज आर, आर प्लस आर बाई टू 3 आर बाई टू, तो पोटेंशियल जी आ जाएगी एम जी इंटू 3 आर बाई टू, 3 आर बाई टू ये वैल्यू आ गई। बाकी v की वैल्यू जो है, v स्क्वायर की वैल्यू gr / 2 यहां रख सकते हैं अपन, ठीक है, तो ये 3r / 2 है, 3 है यहां पर, ये 3 2 2 ये कैंसिल आउट हो गया, mm कैंसिल आउट हो जाएगा, u स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 12i v स्क्वायर की वैल्यू रख सकता हूं gr / 2, यहां पे है ये 3g r / 2, सॉरी v स्क्वायर की वैल्यू है gr / 2 और इसकी वैल्यू है 3g r, ठीक है, 2 कट जाएगा, ठीक है, तो u स्क्वायर की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई, 6 और 7, 7g r / 2, ये u स्क्वायर की वैल्यू आ गई। और u स्क्वायर जो है अगर देखें, हम हमसे पूछा x की वैल्यू कितनी है, तो स्क्वायरिंग कर दो इस तरफ बोथ साइड, तो k x स्क्वायर / m के बराबर आ गया, तो ये आ जाएगा 7mgr / 2k का अंडर रूट x के बराबर आ जाएगा, ठीक है, तो ये देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, 7mg आएगा, तो ये ऑप्शन जो है थर्ड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आइए, ए सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग विदाउट डैम्पिंग व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब इज मैक्सिमम इट्स एक्सेलरेशन वेक्टर ए वेक्टर इज करेक्टली शोन इन, ठीक है, तो मैक्सिमम पोजीशन पे पूछा है, तो जब ये यहां से यहां तक ये ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है, कोई सा भी आप कंसीडर कर सकते हो, तो मैक्सिमम पोजीशन की बात करें तो मैक्सिमम पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी जीरो होती है, वेलोसिटी जीरो है, इसके ऊपर टुवर्ड सेंटर टी लग रहा है और mg का इस तरफ वाला कंपोनेंट लगेगा, सपोज ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो mg का इस तरफ वाला कंपोनेंट कितना आएगा, mg cos थीटा, तो t और mg cos थीटा जो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, क्योंकि सेंटर की तरफ फोर्स जीरो है, v जीरो है ना, तो सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो है, सो t बराबर mg cos थीटा, तो इन्होंने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, बाकी जो है mg sin थीटा इधर लगेगा, तो उसके कारण टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जनरेट होगा, सो द नेट एक्सेलरेशन एट दिस पोजीशन इज अलोंग दिस साइड, तो मैंने सेकंड वाले को ही सिलेक्ट किया है सबसे पहले, तो सेकंड वाला सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर ही आ रहा है, बाकी सारे इनकरेक्ट हैं, तो 19th का सेकंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ब्लॉक्स ऑफ मास m ईच आर कनेक्टेड बाय अ मासलेस स्ट्रिंग व्हाइल ब्लॉक ए इज कनेक्टेड टू पॉइंट o, अनदर मासलेस स्ट्रिंग, बोथ रोटेट विद द कांस्टेंट स्पीड ओमेगा ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस विद o एज सेंटर, इफ t1 इज द टेंशन इन oa एंड t2 इज द टेंशन इन स्ट्रिंग ab, देन द रिलेशन बिटवीन t एंड t2 इज, तो सिंपली रिलेशन पूछा है, तो इसमें क्या आंसर आना चाहिए, देखिए इसको अगर आप रोटेट करोगे, सीधी सी बात है, यहाँ पे टेंशन T1 लगेगा, यहाँ पे टेंशन T2 लगेगा, और यहाँ पे टेंशन T2 लगेगा, ठीक है, तो यहाँ जो टेंशन लगेगा आप गौर से देखिए, तो यहाँ वाला जो फोर्स है टुवर्ड सेंटर T1 माइनस T2 लग रहा है विच इज m ओमेगा स्क्वायर आर, तो T1 की वैल्यू T2 से भी ज्यादा हुई, ये तो क्लियर नजर आ ही रहा है, और यहाँ पे जो T2 लग रहा है वही m ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होगा, तो T1 की वैल्यू T2 से ग्रेटर है, ये तो क्लियरली नजर आ रहा है, सेकंड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब सेक्शन डी, अभी तक सेक्शन ए हमने डिस्कस किया था, अब सेक्शन डी की बात करेंगे, ठीक है, इंटीजर टाइप में, तो यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास m इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ ए सेमी सर्कुलर रेडियस कैपिटल, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर इज nmr2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू पूछिए, तो इस एक्सिस के अबाउट हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, ठीक है, तो अगर हम इसको इस वे से डील करें, जैसे मान लीजिए एक रिंग होती कंप्लीट, थोड़ा सा दिमाग लगाएं,
इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सपोज इस रिंग का मास अगर एम है, अगर एम है तो इस एक्सिस के अबाउट एम एम आर स्क्वेयर होता, और इस एक्सिस के अबाउट कितना था, पैरेलेक्स थ्योरम लगा देते अपन, एम आर स्क्वेयर प्लस एम आर स्क्वेयर, डिस्टेंस आर ही तो है, एम आर स्क्वेयर, टू एम आर स्क्वेयर होता, ऑब्वियसली यही होता, ठीक है, तो टू एम आर स्क्वेयर वैल्यू आती है इस एक्सिस के अबाउट। लेकिन अगर हम अगर हमसे कहे कि इस आधे पार्ट का ही आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, आधे पार्ट का ही इस एक्सिस के अबाउट, तो पूरे का हाफ ही तो होता, क्योंकि आधा पार्ट सिमेट्रिकल है, आधा पार्ट इधर, आधा पार्ट इधर है इस एक्सिस अबाउट, तो 2mr स्क्वायर का हाफ होता ना, हाफ होता, लेकिन 2mr स्क्वायर हाफ करते तो mr स्क्वायर आता, लेकिन वो m जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट का मास है, कंप्लीट ऑब्जेक्ट का मास है, तो 2mr स्क्वायर का हाफ होता तो आंसर आता mr स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि मास इसका अगर m दे दिया जाए तो यहां पर फिर 2m ही आएगा, क्योंकि टोटल जो मास है फिर वो 2m होता, 2m होता ना, तो उस केस में 2m आता, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2mr स्क्वायर, तो nmr स्क्वायर मतलब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इन ए फिगर स्फीयर ऑफ रेडियस 2 मीटर रोल्स ऑन ए प्लैंक, द एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर एंड द प्लैंक आर इंडिकेटेड, द वैल्यू ऑफ द अल्फा इज, अल्फा की वैल्यू हमसे पूछी है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन आप किसी भी तरफ अज्यूम कर सकते हो, सपोज एंगुलर एक्सेलरेशन इस तरफ है, बाकी रोल कर रहा है तो हमें पता है यहाँ पर इन दोनों पॉइंट का एक्सेलरेशन जो है वो सेम होना चाहिए। तो अगर मैं अल्फा अगर मैंने इस तरफ कंसीडर किया है, अल्फा की वैल्यू अगर इस तरफ कंसीडर किया, तो इस पॉइंट का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से देखूं तो ए2 मतलब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, और अल्फा आर भी इधर आएगा तो अल्फा इंटू 2 हो जाएगा, मतलब 2 अल्फा हो जाएगा इस तरफ, और a1 जो कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैंने इस तरफ कंसीडर किया है यहाँ पर, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि a1 इधर 2 है, तो इस तरफ मैं माइनस 2 कंसीडर कर सकता हूँ बराबर करने के लिए, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अल्फा इधर है, कंफ्यूज ना होने के लिए अल्फा को आप यहाँ से रिमूव कर दो, ठीक है, अल्फा इधर मान लीजिए, तो अल्फा इंटू 2 इधर आ जाएगा और a2 उधर की तरफ है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू में अल्फा इस तरफ, और a2 जो कि 4 है उस तरफ हो जाएगा, जो कि a1 के बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आया, 6 आ जाएगा, और अल्फा बराबर 6 बाई 2 मतलब 3 के इक्वल आ जाएगा, करेक्ट आंसर इसका कितना आ गया, 3 हो जाएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस कैपिटल r मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन शोन इन द फिगर, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क अबाउट द ओरिजिन o at the instance shown in the figure is m by 2 mr square omega, then find the value of m. ये डिस्क है और ये यूं रोटेट हो रही है, और v भी आपको गिवन है यहाँ पर, और o के अबाउट हमसे एंगुलर मोमेंटम पूछा है, तो सबसे पहले सेंटर मास का देखते हैं अपन, तो सेंटर मास का देखें तो m v r है ना, m v r, r कौन सी, ये 3r, ये हो गया, लेकिन इसका एंगुलर मोमेंटम किस तरफ है, राइट हैंड थंब रूल अपन लगाएंगे तो कुछ अंदर की तरफ है, ये वाला सेंटर मास वाला जो है ना वो अंदर की तरफ है, रोटेशन की बात करें icm ओमेगा वाला वो बाहर की तरफ आएगा डायरेक्शन, तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस उसकी वैल्यू आएगी आईसीएम इनटू ओमेगा, आईसीएम की बात करें तो आईसीएम डिस्क का हो जाएगा सेंटर मास के अबाउट एमआर स्क्वायर बाय 2, आर रेडियस इसकी एमआर स्क्वायर बाय 2 इनटू ओमेगा, और आंसर हमें ओमेगा के टर्म्स में चाहिए, और वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू ओमेगा आर के बराबर है यहां पर, ये हमें दे रखा है, दिस इज ओमेगा आर, तो 3 एम ओमेगा आर स्क्वायर माइनस एमआर स्क्वायर ओमेगा बाय 2, तो 6 माइनस 1 जो कि 5 आ जाएगा, 5 बाई 2 एम आर स्क्वायर ओमेगा, तो n की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, 5 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है, तो n की वैल्यू यहां पर हम जो है 5 के इक्वल दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू फ्रेगमेंट्स ऑफ मासेस m एंड 2m अराइजेस फ्रॉम एक्सप्लोजन ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इफ द एनर्जी ऑफ द एक्सप्लोजन इज e, द काइनेटिक्स ऑफ स्मॉलर मास इज n / 3, देखो रेस्ट में ऑब्जेक्ट था, एक्सप्लोजन हुआ m और 2m में, ये बढ़ गया, और छोटे वाला जो मास है इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछी है, इसको ke1 लिख दिया मैंने, बड़े वाले काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ke2, वेक्टर नहीं है सॉरी, ये तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम है, मोमेंटम इनिशियली 0 था, तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा, फाइनल मोमेंटम मतलब इन दोनों का मोमेंटम एक दूसरे को बैलेंस करेगा, देखा जाए तो वेक्टर में देखें इसका मोमेंटम आएगा, मोमेंटम को अगर अपन देखें तो मोमेंटम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी 2m ke1, और इसका मोमेंटम आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 2m ke2, तो 2m से 2m कैंसिल आउट हो गया, सो ke1 इज इक्वल टू 2 ke2, ये एक तो रिलेशन आ गया, और टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो e के बराबर है, मतलब ke1 e के बराबर है, हमको ke1 चाहिए छोटे वाले, तो ke2 की वैल्यू जो है ke1 बाई 2 रख सकता हूं मैं, ये 3 टाइम्स हो जाएगा, तो ke1 कितना आ गया 2e by 3, so n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 0, 2, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें।
A sphere is moving with a velocity 4 i cap minus j cap when it hits a smooth wall and rebounds with velocity i cap plus 3 j cap. If the coefficient of restitution between the sphere and the wall is 9 by n, then find the value of n is. मतलब हमें वॉल का ओरिएंटेशन नहीं दे रखा, वॉल किधर है, ठीक है, वॉल मालूम नहीं हमें. जैसे सपोज ये मैंने वॉल ली और जो पार्टिकल इनिशियली इस तरफ आ रहा था, इसकी वेलोसिटी हमें गिवन है, दिस इज वी आई वेक्टर सपोज, एंड आफ्टर कोलिजन ये बॉल इस तरफ चला गया, ठीक है. कोलिजन इनइलास्टिक है तो ये तो नहीं कह सकते अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होंगे, लेकिन हाँ ये वी फाइनल वेक्टर है, ये कंफर्म है. और स्मूथ सरफेस है तो ये कंफर्म जरूर कह सकते हैं अपन, ये जैसे नॉर्मल है कि वेलोसिटी का जो सरफेस के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो सेम रहेगा, इस वाले में कोई बदलाव नहीं आएगा. अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इसमें चेंज जीरो हो जाएगा, और इसमें देखें तो ये कंपोनेंट इधर की तरफ और ये कंपोनेंट इधर की तरफ है, इनमें जरूर बदलाव आएगा. सो द नेट चेंज इन वेलोसिटी जो है ना वो नॉर्मल की डायरेक्शन में आएगा. तो अगर मैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करूँ ना, यहाँ पर वी फाइनल वैक्टर माइनस वी इनिशियल वैक्टर, वो पक्का नॉर्मल के अलोंग ही आएगा. तो सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, चलो आई कैप प्लस थ्री जे कैप में से फोर आई कैप माइनस जे कैप अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो यहां पर ये कितना आएगा, देखिए फोर सॉरी आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस फोर आई कैप माइनस माइनस प्लस जे कैप, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप. तो ये एन वेक्टर की डायरेक्शन आ गई इस तरफ, ये एन वेक्टर की डायरेक्शन है, और जो वी वेक्टर हमें दे रखा है यहां पर वो कुछ इस तरफ है. तो इस वाले पार्ट को अपन अब देखेंगे, तो n वेक्टर इधर और n वेक्टर और v वेक्टर जो है वो कुछ इस तरफ है, v इनिशियल वेक्टर जो है. तो हमें केवल इस वाली वेलोसिटी से मतलब है, वर्टिकल वाली, क्योंकि रिबाउंड होगा तो हमें पता है अगर सपोज v स्पीड से स्ट्राइक करेगा तो जो है e टाइम्स ऑफ v स्पीड से वापस आएगा, e जो है वही कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, उसी की वैल्यू हमसे पूछी है यहाँ पर. तो यहाँ पर जो n वेक्टर जो है वो इस तरफ है और vi वेक्टर कुछ इस तरफ है. vi वेक्टर की डायरेक्शन अगर मैं पलट दूं, माइनस का vi वेक्टर कर दूं तो इधर आ जाएगा और यही वाला एंगल आएगा थीटा, ठीक है, इन दोनों के बीच में. तो माइनस vi वेक्टर बोले तो माइनस का 4i कैप प्लस j कैप वो इधर आ गया, और n वेक्टर ये वाला है जो अपने सामने है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो थीटा आ जाएगा मेरे पास, ठीक है. बाकी मुझे हालांकि मुझे कंपोनेंट चाहिए कौन सा, ये वाला कंपोनेंट चाहिए, वर्टिकल कंपोनेंट. सो दिस इज v cos थीटा, तो v वेक्टर ये है, ठीक है, और इसका जो नॉर्मल वेक्टर है इसका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूं इसके साथ तो हमारे पास vi into n into cos theta आएगा. तो vi cos theta मुझे चाहिए, तो n का मॉडुलस जो है उसको, n का मॉडुलस कितना आएगा, 3 4 का मॉडुलस कितना आएगा, 5 आएगा, 5 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो मेरे पास vi cos theta की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी यहाँ पर. तो डायरेक्ट वैल्यू आएगी तो इसका डॉट प्रोडक्ट करें अपन, तो यहाँ से माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 12 आ गया, ये भी 12 और 4 और अब बटा में 5 आ गया, तो ये आ जाएगा 16/5. तो ये वेलोसिटी है इस तरफ 16/5, और जो रिफ्लेक्ट हो रही है ना वेलोसिटी vf, उसका नॉर्मल के साथ अगर अपन देखें तो ये वाला एंगल मान लीजिए फाई है, तो अगेन इसका भी देखें तो vf का इस तरफ अपन को कंपोनेंट लेना, तो vf cos फाई निकालना है. vf cos फाई निकालने के लिए अगेन वही सेम अप्रोच, vf डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू vf n cos फाई, तो बाय n कर देंगे तो vf cos फाई आ जाएगा जो कि इस तरफ वाला कंपोनेंट को शो करेगा. तो vf डॉट n वेक्टर मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, n वेक्टर हमारे पास ये वाला है और v फाइनल जो है ये वाला है, ये i कैप प्लस 3j कैप. तो i कैप का और मतलब इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का डॉट प्रोडक्ट करें पर, तो i और माइनस 3i का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3, और 3j और 4 का करेंगे तो कितना आएगा, 12, और अपॉन में मॉडुलस ऑफ n जो है वो 5 के बराबर ही है, तो ये 12 माइनस 3 मतलब 9 आ जाएगा, 9/5 के बराबर आ गया. सो दिस इज 9/5, तो फाइनल जो रिबाउंड जो स्पीड है ना वो 9/5 है अलोंग द नॉर्मल, और जो इंसिडेंट जो है वो 16/5 है. तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि वी फाइनल जो है इन नॉर्मल डायरेक्शन इज ई टाइम्स ऑफ वी इनिशियल इन नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन में ये ध्यान रखना. तो वी फाइनल जो है हमारे पास आ जाएगा, ये तो है 9/5 इस तरफ और ये है हमारे पास ई और ये है हमारे पास 16/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, ई इज इक्वल टू आगे 9/16. तो यहाँ से ई जो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 9/n दे रखा हमसे, और n की वैल्यू पूछी तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 16, ओके. तो ये था जी आपका क्वेश्चन पेपर, आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा, ठीक है, ऐसे ही मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, ठीक है, थैंक यू.